विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंबर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत है। विद्यार्थी, पिछले ई लेक्चर्स में हमने BCOM तृतीय वर्ष के अंतर्गत EFM विषय के पेपर ग्रामीण विकास एवं सहकारिता का अध्ययन आरंभ किया था। इसके अंतर्गत हमने बाद में सहकारिता का अध्ययन भी आरंभ किया। सहकारिता के अंतर्गत हमने पढ़ा सहकारिता का अर्थ क्या है, सहकारिता की परिभाषा क्या है, सहकारिता के उद्देश्य क्या है, सहकारिता की विशेषताएं क्या है, सहकारिता की सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। और आज विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम सहकारिता और पूंजीवाद दोनों का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार सहकारिता और पूंजीवाद में समानताएं क्या हैं, क्या पूंजीवाद का क्या अर्थ होता है, पूंजीवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, सहकारिता और पूंजीवाद में क्या समानता है। तो आइए विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हम सहकारिता और पूंजीवाद, सहकारिता एवं पूंजीवाद, और इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पूंजीवाद को समझेंगे कि पूंजीवाद क्या है। तो विद्यार्थियों, पूंजीवाद की यदि बात करें तो पूंजीवाद का अगर हम अर्थ समझना चाहें तो पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार व उद्योगों का संगठन व संचालन निजी साहस द्वारा केवल अपने लाभ के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में होता है। इसमें एकाधिकारी मनमाने ढंग से उत्पत्ति के साधनों का उपयोग करते हैं और निजी स्वामी स्वयं के लाभार्थ कार्य करता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे उपभोक्ता का शोषण हो। तो हम ये कह सकते हैं विद्यार्थियों कि पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था, क्योंकि आर्थिक व्यवस्थाओं के ये स्वरूप है पूंजीवाद, समाजवाद। आर्थिक पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें व्यापार व उद्योगों का संगठन व संचालन निजी साहस द्वारा केवल अपने लाभ के लिए ही किया जाता है। तो हम देखेंगे कि पूंजीवाद के अंदर सबसे पहले तो पूंजीवाद की भी अगर हम विशेषताओं का अध्ययन करें तो पहली विशेषता पूंजीवाद की है उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी जितने भी उत्पत्ति के साधन हैं उन पर निजी स्वामित्व होता है। यह पूंजीवाद की पहली विशेषता है। दूसरी, यहां व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, ना कि सामाजिक हित को। यहां पे पूंजीवाद में अगर हम विद्यार्थियों देखेंगे कि आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण पाया जाता है और आर्थिक असमानता, इसीलिए आर्थिक असमानता भी पाई जाती है। पूंजीवाद में निजी लाभ के लिए श्रमिकों, उपभोक्ताओं और पूरे समाज का शोषण होता है पूंजीवाद में, इसलिए शोषण विद्यमान रहता है। दूसरा, व्यवसाय करने, अनुबंध करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, साथ में सरकारी हस्तक्षेप भी नहीं होता, मूल्य नियंत्रण भी नहीं पाया जाता है। तो मूल्य नियंत्रण भी पूंजीवाद में नहीं पाया जाता और गलापाट प्रतियोगिता पाई जाती है, यानी विभिन्न उत्पादकों के बीच गलापाट प्रतियोगिता भी पाई जाती है। तो अगर हम पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन करें तो पहली विशेषता क्या है, उत्पत्ति के साधनों पर निजी स्वामित्व। दूसरा, व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, सामाजिक हित को नहीं। पूंजीवाद में निजी लाभ के लिए श्रमिकों, उपभोक्ताओं व पूरे समाज का शोषण होता है। चौथा, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही हाथों में हो जाता है जिससे समाज में आर्थिक असमानता होती है। पांचवा, व्यवसाय करने, अनुबंध करने की पूरी स्वतंत्रता रहती है, उत्पादकों के बीच गलापाट प्रतियोगिता रहती है जिसके कारण साधनों का अपव्यय होता है। उनका अपव्यय होता है प्रतियोगिता के कारण। दूसरा, मूल्य नियंत्रण नहीं होता, मूल्य का निर्धारण मांग व पूर्ति के अनुसार होता है। आठवां, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। नवां, निर्णय निजी स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं।
अगर हम पूंजीवाद को समझना चाहें तो हमें उसकी विशेषताओं को भी समझना पड़ेगा कि पहला तो निधि उत्पत्ति के साधनों पर निधि स्वामित्व रहता है, व्यक्तिगत हित को महत्व दिया जाता है, निजी लाभ के लिए श्रमिकों उपभोक्ताओं का शोषण होता है, यहाँ पे आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होता है, मूल्य नियंत्रण नहीं होता, सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, व्यवसाय करने की, व्यवसाय चुनने की, अनुबंध करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, निर्णय निजी स्वार्थ के आधार पर लिए जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में शोषण पाया जाता है और आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, आर्थिक असमानता, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पाए जाते हैं। सहकारिता के अंतर्गत पूंजीवाद व समाजवाद दोनों का ही मिला जुला रूप देखने को मिलता है। यदि अगर हम विद्यार्थियों सहकारिता की बात करें तो सहकारिता के अंतर्गत दोनों का ही, चाहे वो पूंजीवाद हो चाहे वो समाजवाद, दोनों का ही एक मिश्रित मिला जुला रूप सहकारिता के अंदर हमें देखने को मिलता है। सहकारिता के अंतर्गत पूंजीवाद व समाजवाद दोनों ही विचारधाराओं, दोनों का ही मिला जुला रूप देखने को मिलता है। इसलिए सहकारिता, अतः सहकारिता पूंजीवादी व समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं वाले देशों में देखी जा सकती है। इस कारण से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक तो शोषण, आर्थिक असमानता, आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण रहता है, तो दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राय समाप्त हो जाती है, लेकिन सहकारिता दोनों का ही मिश्रित रूप है जो मानव को शोषण से मुक्त कराकर आर्थिक समानता व न्याय प्रदान करती है। तो सहकारिता, इन दोनों से अगर हम देखेंगे तो सहकारिता किस प्रकार इन दोनों से श्रेष्ठ है, हम इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या क्या समानताएं हैं सहकारिता में और पूंजीवाद में, और क्या क्या असमानताएं हैं सहकारिता और पूंजीवाद। इसलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले अब हम सहकारिता और पूंजीवाद की जो समानताएं हैं उनका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थी, अब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सहकारी व्यवस्था दोनों में समानताओं का अध्ययन करेंगे। लेकिन क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सहकारिता से भिन्न है? इस संबंध में कुछ विद्वानों का मानना है कि सहकारिता पूंजीवाद का ही रूप है। दोनों में कोई विरोध नहीं है और ये दोनों पद्धतियां साथ साथ चल सकती हैं। ये विचारक सहकारी समितियों को मूल रूप से पूंजीवादी संस्थाएं ही बतलाते हैं, जैसे जेम्स पीटर वॉरबर्स। वो कहते हैं कि सहकारिता का पूंजीवादी पद्धति से कोई विरोध नहीं है। जेम्स पीटर वॉरबर्स इस संबंध में कहते हैं कि सहकारिता का पूंजीवादी पद्धति से कोई विरोध नहीं है। यथार्थ में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां व माध्यम पूंजीवादी व्यवसाय की ही देन है। यानी जेम्स पीटर वॉरबर्स कहते हैं कि सहकारिता का पूंजीवादी पद्धति से कोई विरोध नहीं है। यथार्थ में सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधियां व माध्यम पूंजीवादी व्यवसाय की ही देन। इस संबंध में जेरी वोरिस कहते हैं कि सहकारिता एक उत्तम निजी व्यवसाय है। तो ये विद्वान सहकारिता को पूंजीवाद का ही रूप मानते हैं। इस संबंध में अगर हम दोनों में समानताओं का अध्ययन करेंगे तो हम निम्न बिंदुओं के अनुसार
सहकारिता और पूंजीवाद की समानताओं का अध्ययन करें। विद्यार्थियों सबसे पहला बिंदु यहाँ पे आएगा लाभ, और यदि हम लाभ की बात करें तो सहकारिता में लाभ का उद्देश्य सेवा आएगी। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों ने पहले भी पढ़ा है कि सहकारिता की जो मूल भावना है वो सेवा की भावना है। सहकारिता में जो लाभ का उद्देश्य है वो सेवा है, जबकि पूंजीवाद में यदि हम पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद में लाभ का आधार शोषण हो जाता है लाभ, लेकिन सहकारिता में लाभ का आधार सेवा है, यद्यपि दोनों में लाभ को महत्व दिया जाता है। दूसरा जो बिंदु यहाँ आएगा वो है पूंजी। तो दोनों के संचालन के लिए पूंजी आवश्यक है, लेकिन दोनों में पूंजी पर ब्याज देने के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। दोनों में पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, और जो पूंजी होती है वो अंशों में विभाजित होती है। तीसरा बिंदु है स्वतंत्रता। दोनों के कार्यों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, यानी हम दोनों में स्वतंत्रता रहती है। दोनों के कार्यों में सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करती, बस आवश्यकता पड़ने पर वांछित सहयोग प्रदान करती। अगला बिंदु है कर्मचारी व प्रबंध व्यवस्था। दोनों में ही वेतनभोगी कर्मचारी पाए जाते हैं। अगला बिंदु आता है व्यक्तिगत संपत्ति। तो पूंजीवाद की तरह सहकारिता में भी व्यक्तिगत संपत्ति रखने, उसमें वृद्धि करने और स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, यानी दोनों इस मामले में एक है। व्यक्तिगत संपत्ति पूंजीवाद की तरह सहकारिता में भी व्यक्तिगत संपत्ति रखने, उसमें वृद्धि करने तथा स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होती है। अगला बिंदु है संस्थाएं। सहकारिता उन सभी संस्थाओं की सफलता की कामना करती है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जीवनदायिनी है। सातवां बिंदु, व्यवसाय की प्रकृति कार्यविधि के तरीकों में अंतर नहीं पाया जाता। तो इन बिंदुओं के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कहां कहां सहकारिता और पूंजीवाद में समानता है। इस प्रकार विद्यार्थी हमने इन सात बिंदुओं के आधार पर यह समझा कि कहां कहां पूंजीवाद और सहकारिता में समानता है। तो समानता के आधार क्या है? पहला लाभ, सहकारिता में लाभ का उद्देश्य सेवा, लेकिन दोनों में लाभ प्राप्ति के उद्देश्य को महत्व दिया जाता है। दूसरा पूंजी, तीसरा स्वतंत्रता, चौथा कर्मचारी व प्रबंध व्यवस्था, पांचवा व्यक्तिगत संपत्ति, छठा संस्थाएं, सातवां व्यवसाय की प्रकृति और कार्यविधि तरीकों में अंतर नहीं। तो इस प्रकार विद्यार्थी हमने समझा कि पूंजीवाद और सहकारिता में क्या क्या समानता है, और कई विद्वान ऐसे हैं जो सहकारिता को पूंजीवाद का ही रूप मानते हैं, जैसे जेम्स पीटर बार्बस और जेरी बोहरिस, डॉक्टर रेमंड डब्ल्यू मिलर इत्यादि। इस संबंध में डॉक्टर रेमंड डब्ल्यू मिलर सहकारिता इस संबंध में कहते हैं कि सहकारी समितियां मूल रूप से पूंजीवादी संस्थाएं हैं, वे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ही इकाइयां हैं तथा वास्तव में पूंजीवादी दर्शन की सुंदर रचना है। लेकिन क्या विद्यार्थियों पूंजीवाद और सहकारिता एक है? हमें विद्यार्थियों इन समानताओं को देखकर यह नहीं समझ लेना है कि पूंजीवाद और सहकारिता में कोई अंतर नहीं, दोनों के उद्देश्यों में बहुत अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए हमें उनके अंतर को समझना भी आवश्यक है। विद्यार्थियों अब हम सहकारिता और पूंजीवाद इन दोनों में अंतर स्पष्ट करेंगे, और हम उन आधारों को देखेंगे जिन आधार पर सहकारिता और पूंजीवाद में हम अंतर कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों कौन कौन से वो आधार हैं जिनके आधार पर हम सहकारिता और पूंजीवाद में अंतर कर सकते हैं? तो वो आधार हम उनका अध्ययन करते हैं।
तो पहला आधार जिसमें हम सहकारिता और पूंजीवाद में जिसके आधार पर अंतर कर सकते हैं वो है उद्देश्य। तो विद्यार्थियों, यदि हम उद्देश्य की बात करते हैं तो पूंजीवाद का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है, जबकि सहकारिता का मुख्य उद्देश्य सेवा है, सेवा को ही लाभ माना जाता है। दूसरा है प्रबंध व्यवस्था। विद्यार्थियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन निजी साहसी करते हैं, सदस्य जितने अंशों का स्वामी होता है उतने ही मत देने का उसे अधिकार होता है, किंतु सहकारिता का संचालन जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित है। इसमें एक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है, चाहे वे कितने ही अंशों का स्वामी क्यों ना हो। दूसरा बिंदु जोखिम। तीसरा बिंदु जोखिम। पूंजीवाद में जोखिम का हिस्सेदार स्वयं पूंजीपति होता है, उत्पादन के विभिन्न साधन भी वही जुटाता है, जबकि सहकारी व्यवस्था में जोखिम का हिस्सेदार प्रत्येक सदस्य होता है, क्योंकि वे सभी उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, क्योंकि सभी सदस्य उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं। चौथा बिंदु लाभ का विभाजन। विद्यार्थियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लाभ का विभाजन विनियोजित पूंजी के आधार पर किया जाता है, जिसने जितनी पूंजी लगाई होती है उसे लाभ में उतनी ही हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन सहकारिता में संस्था से किए गए लेन देन के आधार पर लाभ का विभाजन किया जाता है। पांचवा बिंदु प्रतिस्पर्धा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गला काट प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, जिसमें अनेक संगठन असफल हो जाते हैं। इसमें आपसी हितों के लिए टकराव चलता रहता है, लेकिन सहकारिता में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। सहकारी संगठनों में परस्पर प्रेम व सहयोग की भावना होती है, जिससे निरंतर विकास होता है। छठा ब्याज दर। पूंजीवाद में ब्याज दर मांग व पूर्ति के अनुसार निर्धारित होती है, के आधार पर निर्धारित होती है, जो सामान्यतः ब्याज दर वहां पर ऊंची रहती है, जबकि सहकारिता में पूंजी पर सीमित ब्याज का सिद्धांत अपनाया गया है। इसमें त्याग की भावना का स्थान है, मनमाने आधार पर ब्याज दर निश्चित नहीं की जाती। सातवां शोषण। पूंजीवाद में शोषण विद्यमान रहता है, पूंजीवाद दुर्बलों के शोषण के लिए सबलों का संगठन कह सकते हैं, जबकि सहकारिता ये दुर्बलों के शोषण से मुक्त कर ये दुर्बलों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए उन्हीं का एक सबल संगठन है, हम ऐसा कह सकते हैं। आठवां बिंदु नैतिकता। विद्यार्थियों, पूंजीवाद में नैतिकता का कोई स्थान नहीं, जबकि सहकारिता व्यक्तियों का नैतिक स्तर ऊंचा करने का ही काम करती है। यह व्यक्ति में समानता, न्याय, परस्पर सहयोग, ईमानदारी व त्याग की भावना बहती है। नवा बिंदु प्रभाव। तो विद्यार्थियों, यदि हम प्रभाव की बात करें तो पूंजीवाद का जो प्रभाव रहता है वो होता है संघर्ष, अन्याय, विषमता, शोषण व केंद्रीकरण, जबकि सहकारिता का जो प्रभाव है वो है सहयोग, न्याय, समानता व शोषण का अंत। सहकारिता विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देती है। दसवां बिंदु सत्ता। विद्यार्थियों, अगर हम सत्ते की बात करें तो पूंजीवाद में सट्टे की प्रवृत्ति पाई जाती है, इससे अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सहकारिता में सट्टेबाजी को समाप्त कर आर्थिक स्थिरता कायम की जाती है। ग्यारहवां बिंदु नकद व्यापार। पूंजीवादी व्यवस्था में अधिकांश लेन देन सह के आधार पर किए जाते हैं, किंतु सहकारिता में सहकारी संस्थाएं नकद क्रय विक्रय के आधार पर चलती हैं, क्योंकि इनके साधन सीमित होते हैं। बारवां बिंदु वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद वर्ग संघर्ष को जन्म देता है, इसमें पूंजीपति व श्रमिक दो वर्ग होते हैं, जिनमें निरंतर संघर्ष चलता रहता है। सहकारिता संघर्ष के स्थान पर सहयोग को जन्म देती है। तेरहवां बिंदु मूल्य। सहकारिता में मूल्यों को स्थिर व उचित रखने का प्रयास किया जाता है,
जबकि पूंजीवाद में मूल्य मांग व पूर्ति के आधार पर घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे व्यापार चक्र आते रहते हैं, व्यापार चक्र आते हैं। जबकि सहकारिता में मूल्यों को स्थिर व उचित रखने का प्रयास किया जाता है, जिससे व्यापार चक्रों का भय नहीं रहता। चौथा बिंदु, आर्थिक सत्ता। विद्यार्थियों, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में चला जाता है, जबकि सहकारिता में आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, जिससे निर्धन व्यक्तियों के आर्थिक हितों की रक्षा होती है। पंद्रहवां, संगठन का आधार। तो विद्यार्थियों, पूंजीवाद में पूंजी स्वामी है व मनुष्य उसका सेवक है। इसमें पूंजी को मनुष्य से अधिक महत्व दिया गया, जबकि सहकारिता में मनुष्य स्वामी है व पूंजी सेवक, इसमें मानवता को ही अधिक महत्व दिया गया। सोलहवां, क्षेत्र। विद्यार्थियों, पूंजीवाद का क्षेत्र संकुचित है, ये केवल पूंजीवादी देशों में ही सफल हो सकता है, किंतु सहकारिता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, यह किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में सफल हो सकता है। सत्रहवां, ईमानदारी। विद्यार्थियों, पूंजीवाद में बेईमानी व एकाधिकार का बोलबाला रहता है, जबकि सहकारिता त्याग व ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हैं। अठारहवां, मूल आधार। पूंजीवाद का जो मूल आधार है वो है प्रत्येक अपने लिए। पूंजीवाद का मूल आधार प्रत्येक अपने लिए होता है और यहीं से प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ होता है, जबकि सहकारिता का मूल आधार प्रत्येक सबके लिए व सब प्रत्येक के लिए होता है, इसमें संयुक्त रूप से सभी के हित सुरक्षित रहते हैं। उन्नीसवां, व्यक्तिगत संपर्क। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत संपर्क का अभाव पाया जाता है, पूंजीदाता प्राय दूर दूर बिखरे रहते हैं, जिससे कर्मचारियों से उनका व्यक्तिगत संपर्क नहीं हो पाता, जबकि सहकारिता यह परस्पर सहयोग पर आधारित आंदोलन है, जिसमें व्यक्तिगत संपर्क को विशेष महत्व दिया जाता है। बीसवां, जीवन दर्शन। विद्यार्थियों, पूंजीवाद जीवन का आदर्श व दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें स्वार्थ परता पाई जाती है, जबकि सहकारिता अपने आप में एक जीवन दर्शन है जो नैतिक मूल्यों से भरपूर है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा किन आधारों पर हम सहकारिता और पूंजीवाद में अंतर कर सकते हैं। तो पहला आधार उद्देश्य, दूसरा प्रबंध व्यवस्था, तीसरा जोखिम, चौथा लाभ का विभाजन, पांचवा प्रतिस्पर्धा, छठा ब्याज दर, सातवां शोषण, आठवां नैतिकता, नवा आधार प्रभाव, दसवां आधार सट्टा, ग्यारहवां नकद व्यापार, बारहवां वर्ग संघर्ष, तेरहवां मूल्य, चौदहवां आर्थिक सत्ता, पंद्रहवां संगठन का आधार, सोलहवां क्षेत्र, सत्रहवां ईमानदारी, अठारहवां मूल आधार, उन्नीसवां व्यक्तिगत संपर्क और बीसवां जीवन लक्ष्य। तो विद्यार्थी, आज की लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार सहकारिता और पूंजीवाद में समानताएं हैं और अंतर हैं, क्या क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, पूंजीवाद क्या होता है, इसकी विशेषता क्या है। आगे की लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम पूंजीवाद और समाजवाद, हम सहकारिता और समाजवाद दोनों के बीच अंतर व समानता का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।